नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आदित्य स्रोत पाठ की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज के इस कलयुग में इस स्रोत का उपयोग ज़्यादा क्यों किया जाता है और हम कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आदित्य हृदय स्रोत जो कहा जाता है, ये भगवान सूर्य से संबंधित है। मन की सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए इस स्रोत का पाठ किया जाता है। यह स्रोत जीवन संघर्ष में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं का निदान करता है, क्योंकि मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत होती है, मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए जबरदस्त हिम्मत की जरूरत होती है, मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए उसका भाग्य प्रबल होने की जरूरत है, मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए उसके राह में आने वाली सभी प्रकार की अड़चनें भी दूर होनी चाहिए, मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए उसके राह में रुकावट पैदा करने वाले शत्रु भी शांत होने चाहिए, तभी मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है। इस आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने वाला व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। उसके बारे में कोई बुरा प्रचार कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, तो वह अपने कार्य में, अपने मकसद में सफल नहीं होता। इस तरीके से यह हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाता है। सूर्य का दूसरा नाम आदित्य भी है। सूर्य जिस तरीके से पूरे आत्मविश्वास के साथ चमकता रहता है, उसी तरीके से मनुष्य आदित्य स्रोत का जो उपासक होता है, इसके जीवन में चमक दिन का दिन बढ़ती चली जाती है। इसलिए जो व्यक्ति आदित्य स्रोत का पाठ नियमित रूप से करते हैं, उनके जीवन में मान सम्मान उन्हें प्राप्त होता है, बुराई करने वाले सफल नहीं होते, बुरा करने वाले सफल नहीं होते, इनकी राह में आने वाली अड़चनें कम होनी शुरू हो जाती है और उनको हर तरीके से लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो आइए जानते हैं इस आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में या घर के मंदिर में भी आप बैठ सकते हैं। कुछ लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए किसी कुर्सी पर या सोफा पर बैठ जाएं। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी जोर से सांस खींचे, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। अब अपने सामने सोने की या तांबे की अंगूठी अच्छी तरीके से धोकर अपने सामने रखें। अब उसके सामने आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें और यह पाठ आपको 5 पाठ करना है। इसमें 31 ऋचा होती है, यानी 31 श्लोक का ये पाठ है। 31 श्लोक का ये पाठ को आपको 5 बार जपना है नियमित रूप से। जपने का समय सूर्योदय होता है। जब सूर्य उदय होने का समय होता है, वही इसका समय माना जाता है। इस आदित्य स्रोत का पाठ आप शुरू कर सकते हैं। सिर्फ 5 बार इस आदित्य स्रोत का पाठ करना है। सिर्फ याद रखें, अपने सामने सोने की या तांबे की अंगूठी अवश्य रखें और इसके बाद 5 बार पाठ करने के बाद इस सोने की या तांबे की अंगूठी को आप पहन लें। दूसरे दिन फिर आइए, अभ्यास करना है, फिर से वह अंगूठी को धो लें। धोने के बाद अपने सामने रखें और रखने के बाद 5 पाठ आपको करना है। इस तरीके से नियमित रूप से आपको 21 दिन इस आदित्य स्रोत का पाठ करना है। यह पाठ आपको धीरे धीरे महसूस कराएगा कि आपकी मनोकामना पूर्ति होती चली जा रही है, आपके राह में आने वाली अड़चनें धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं, मन शांत होता चला जा रहा है, आंखों को लाभ मिलते जा रहा है। इस तरीके का अनुभव आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बस पूरे मन लगाकर इस पाठ का अभ्यास आपको करना है। यह आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इस पाठ के बाद अंगूठी का उपयोग आप करें। अंगूठी जो आप पहनेंगे, ये अंगूठी बहुत ही पावरफुल बन जाती है, बहुत ही शक्तिशाली बन जाती है। इस अंगूठी के अंदर जबरदस्त ऊर्जा का निर्माण होता है। यह अंगूठी आपके हर क्षेत्र में, हर कार्य में सफल होने में मदद करती है। याद रखें, किसी भी सप्तमी से या रविवार से इस पाठ का शुरुआत आप कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपा जाता है। आदित्य स्रोत का लिंक नीचे दिया गया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जानते हैं कुछ विशेष नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस स्रोत को गृह सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें।
महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी मिलकर अगर इस मंत्र का, इस स्त्रोत का अभ्यास करें तो लाभ ज्यादा मिलता है। इस अभ्यास से पसीना ज्यादा आना, बार बार बाथरूम जाना, सर्दी जुकाम, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए डरे नहीं। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर, इस स्त्रोत का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब आप कोई अच्छे कार्य के संकल्प करते हैं तो कोई ना कोई अड़चने आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करें और फिर आगे अभ्यास कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, इसका अभ्यास कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का श्री विद्या साधना शिविर, जिसमें 1.25 लाख से 5.5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। अगर आप इस साधना में भाग लेकर कुछ प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा हमेशा सतर्क करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।